इतने क्या जरूरत है खर्चा करने की? यहाँ किसानों की सुनो, दुखी है कितने किसान, दुखी है रोज बीमारी मर रहे हैं, कोई सांप खा के मर रहा है, कोई वो बिजार मार रहा है। जिंदगी देख रेख करो भाई, ये किसान की देखो, किसान कितना दुखी है, उनके दुख दर्द सुनो। इनसे किसानों का भला हो, कर्ज माफी से किसानों का भला नहीं होता है। कोई नीति ऐसी बनावे जिससे किसानों की आय बढ़े और किसान अपने पैरों पर खड़े हों, तो मोदी की तरफ झुकाव हो सकता है। ये तो हो रहा है, लेकिन उसमें कमी जो है योगी मोदी जी की नहीं है। गाय हमारी जो है गौ माता है, और इसके लिए हम जो है पहले से ही इनको अपने उसमें संस्कृति में इसको महत्व देते आए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और गायों से परेशान है तो हमारी ही छोड़ी हुई गाय है, ये मोदी और योगी ने नहीं छोड़ी है। बट पहले तो आप लोग बेचते थे ना गाय को? हाँ, गाय को खरीदते भी हैं और बेचते, अब वो तो हम आज भी करते हैं। घर में लैट्रिन थी, दस करने में लैट्रिन बनी है। लैट्रिन जो बना है कुछ नहीं है साहब, वो लोकल बनाई है, जैसे एक गड्ढा खोद दिया, पत्थर रख दिया, बाकी में बना दिया, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे किसी को 10,000 किसी को 5,000 में जैसे नॉर्मल बनाई है, नाम के लिए लैट्रिन है, शुरू करने 12,000 रुपए, 12,000 में क्या पैसा भी ना आ रहे, पैसा भी ना मिल रहा उनने तो 12,000 वो आ भी ना रहे, तो प्रधान के लिए कुछ वो करना पड़ता है। तो आपके हिसाब से इस इलाके में बीजेपी जीतेगी कि लोकदल? देखो इसमें हाइट में दोनों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन चांस मथुरा से राष्ट्रीय लोकदल के RLD, क्योंकि लोगों को पिछली जो पंचवर्षीय योजना गई है उसमें हेमा जी ने कुछ किया नहीं है। यहाँ किसानों को वो मिला है 6,000 रुपए जमीन के? कुछ नहीं मिला, क्या वो फर्द लाओ वो लाओ वो लाओ, क्या डेट निकल गई, ऐसे बोलते थे कर्मचारी लोग तो डुबा रहे हैं मोदी जी को। पुलिस है, बैंक है, पटवारी है, ये जो ये है मोदी जी को तो ये कर रहे हैं परेशान, जबकि मोदी जी ने हमारे देश को बहुत ऊंचे स्तर पर उठा दिया। और मैं ये भी कामना कर रहा हूँ कि 19 के बाद 24 में भी मोदी जी आने हैं। मोदी बहुत बढ़िया, हम तो न करें, मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहे मोदी के बराबर बढ़िया कोई है।